हेलो यू लवलीज, हाउ आर यू डूइंग। मैं हूँ प्रियंका, स्लेंग रनवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। आज हम देखने वाले हैं आइस के बेनिफिट्स हमारे स्किन के ऊपर और उसके यूजेस। सो विदाउट द फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ले ले रहा है सबसे पहले एक आइस क्यूब एंड इसे जेंटली हमारे स्किन के ऊपर लगाना है कुछ इस तरह से। हमारे फेस पे आइस लगाने से बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट फैक्ट है कि ये आपके जो फाइन लाइन्स है उनको रिड्यूस करेगा एंड साथ ही साथ आपके रिंकल्स को भी कम करेगा। इसलिए आइस आपको रिंकल्स के जहाँ पे आंखों के बाजू में रिंकल्स आते हैं वहाँ पे लगाना है, कुछ लोगों को यहाँ पे लगाना है, तो पूरे फेस को आपको इसे लगाना है एंड यू विल गेट ए फ्रूटफुल रिजल्ट। आपको ये आइस लगाना से देता है ग्लोइंग शाइनिंग स्किन। ये आपकी जो फेस की इम्प्योरिटीज़ है और डर्ट्स है इनको अंदर से निकालने में हेल्प करता है और आपको मिलती है इससे लगाने से ग्लोइंग और चमकदार स्किन। 3, ये आपके पोर्स को मिनिमम करता है यानी कम करता है और साथ ही साथ ये जो पोर्स ओपन होना जो स्टार्ट होता है, मतलब जो हमारे छोटे छोटे पोर्स है वो बढ़ने जो स्टार्ट करता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्योंकि आइस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इस बाइंडिंग प्रॉपर्टी की वजह से आपके जो पोर्स है आइस मिनिमलाइज कर देता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, जिससे आपका प्राइमर भी बच जाएगा और आपको मिलेगी एक बहुत ही सुंदर शानदार स्किन। पॉइंट नंबर 4, आइस लगाने से आपको उन एरियाज में आइस लगाना है जहाँ पे आपको ब्लेमिशेस है एंड रेड स्पॉट्स है। इससे क्या होगा, आपके ब्लेमिशेस भी बहुत हद तक कम होंगे एंड रेड स्पॉट्स भी बहुत हद तक आपके रिड्यूस होंगे एंड इससे आपको मिलेगा एक इवन टोन स्किन और बहुत ही सुंदर स्किन। पॉइंट नंबर 5, ये आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है और रिमूव भी करता है। डार्क स्पॉट जैसे कि अंडर आई सर्कल्स या फिर कहीं पे हमें पिंपल्स के दाग हो जाए, अपर लिप्स पे डार्क स्पॉट्स, कुछ लोगों को यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, ये सारे डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करने में भी और रिमूव करने में भी इसका जो अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे तो ये रिड्यूस भी होगे एंड कुछ समय बाद ये रिमूव भी हो जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड ए यूजफुल पॉइंट। इससे साथ ही साथ आपकी स्किन को मिलेगा एक बिल्कुल इवन टोन जिससे आप लगोगे बहुत ही खूबसूरत। पॉइंट नंबर 6, जिनके फेस पे पिंपल्स है और एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए भी आइस लगाना बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगा। ये पिंपल्स आने में कम करेगा एंड पिंपल्स को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके पोर्स को भी कम करता है एंड जो ऑयल जहाँ से बाहर आता है जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये रिड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर 7, आपने क्या करना है, आइस क्यूब उठा लेना है एंड पूरे फेस पे आपको इसे इवनली लगा लेना है, बिल्कुल कुछ इस तरह से, कोई भी हिस्सा ना छोड़ते हुए। आपको आइस पूरे फेस पे लगाने के बाद मेकअप करना है, लाइक प्राइमिंग, जो भी कुछ आपके स्टेप फॉलो करते हैं ये करने हैं। इससे क्या होगा, आपको मिलेगा एक लॉन्ग लास्टिंग सा मेकअप एंड ये आपके मेकअप को होल्ड करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। पॉइंट नंबर 8, आपको अगर कोई स्किन केयर करते हो, स्किन केयर करने से पहले आपको आइस लगाना है अपनी फेस के ऊपर। आइस जब आप फेस के ऊपर लगा लोगे तो इसके बाद अगर आप स्किन केयर रूटीन, अपना जो भी कुछ डेली स्किन केयर रूटीन है ये स्टार्ट करोगे तो ये आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स को स्किन में अब्जॉर्ब करने में और स्किन के अंदर एक्सेप्ट करने में बहुत हद तक हेल्प करेगा, जिससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं जाएगा और प्रोडक्ट के रिजल्ट भी मिल जाएंगे। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट पॉइंट। पॉइंट नंबर 9, आप अगर एवरीडे बेसिस पे या 2 दिन के बाद आइस को अपने फेस पे थरोली लगाओगे तो ये आपके स्किन को टाइट रखने में या फिर टाइटन करने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 10 एंड दी लास्ट पॉइंट, ये देता है हमारे स्किन को एक हेल्दियर एंड ब्रीदेबल स्किन। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आइस एवरीडे बेसिस पे या 2 दिन के बाद आपको आइस को आपके पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है और आप पाओगे एक हेल्दी, चमकदार और निखरी हुई स्किन।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड भूलना मत, आपको आइस एवरीडे बेसिस पे या फिर एक दिन या दो दिन के गैप पे लगाना है, एज पर योर चॉइस। आप पाओगे बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इसके, और इसके बेनिफिट्स तो आपने अभी जान ही लिए हैं। अगर आपको ये सूट करता है एंड अगर आपको इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में आपके रिजल्ट जरूर शेयर करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्लेइंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।